ये ट्रेन चली बॉलीवुड की दुनिया, साफ सुथरी जगह, नीट एंड क्लीन है, ऑल ओवर इंडिया सिक्स्थ प्लेस में है। अगर लाइन क्लियर नहीं है तो भाई बंद कर दो ट्रेन को, कोई फायदा नहीं है भाई चलाने का, बेवजह पैसे ले रहे हो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो भाई आप देख रहे हो वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीस वेदी। तो भाई शाम हो चुकी है अगले दिन की और आपने भाई कल का व्लॉग पूरा एंजॉय किया होगा और भाई ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग आ रहे हैं भाई और आते भी रहेंगे। तो भाई मेरी ट्रेन थी आज खरसिया के लिए, दुर्ग से खरसिया, उसका टाइम था 5 बजे और रायगढ़ जन शताब्दी एक्सप्रेस, तो वो लेकिन लेट है भाई ट्रेन, तो वो चली नहीं है भाई अभी तक, मतलब गोंदिया से ही नहीं चली जहाँ से बन के चलती है, और टाइम हो रखा 4:30 और 5 बजे तो उसको दुर्ग पहुंचना था, तो वो अभी तक चली नहीं भाई। लेकिन भाई वो हमने पहले ही देख लिया था कि मतलब लेट हो सकती है, तो मतलब यहीं से देख के चले। आप भी भाई जब भी ट्रेन में सफ़र करो तो भाई अपनी ट्रेन पहले ही चेक कर लो। वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप है यार, बहुत बढ़िया ऐप है, NTES है, वो भी बढ़िया ऐप है, तो आप भाई चेक करके चलो और भाई देखते हैं फिर किस टाइम आती है। 1.5-2 घंटा वहाँ से भी लग जाएंगी। फिर मैं करता हूँ इन्फॉर्म आपको। और घर से मतलब स्टेशन है वही लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, और फिर दुर्ग से खरसियाँ चलते हैं और फिर कल जाएंगे खरसियाँ से पत्थलगांव। और भाई यहाँ से बस भी चलती हैं, अगर किसी को भिलाई से डायरेक्ट पत्थलगांव जाना हो तो भाई बस भी चलती हैं, लेकिन किराया वही 800 के आसपास है, लेकिन वही यहाँ से ट्रेन सस्ती पड़ जाएगी, 150 रुपये ट्रेन के और 150 रुपये फिर बस के, 300 रुपये में वो पड़ जाएगी। तो भाई हम निकल गए हैं अपना खरसिया के लिए रेलवे स्टेशन के लिए और टाइम हो रखा भाई 6:30, वो 5:05 कुछ पे चली थी और 7 बजे दिखा रही है स्टेशन पे आएगी, तो हम निकल गए हैं भाई। तो देखते हैं यार, लेट ना हो तो बढ़िया है यार, वरना अभी तक तो उस सफ़र तो क्लियर कर देते। और देखो भाई चौक देखो यहाँ का यार, यहाँ मतलब हरियाली और डेकोरेशन एक नंबर यार। और भाई करते हैं इन वादियों को बाय बाय, बाय बाय टाटा, फिर आएंगे कभी तो फिर भाई आई मिस यू वादियों। तो स्टेशन आए भाई और देखो दुर्ग का रेलवे स्टेशन, लाइटिंग वाइटिंग यार भयंकर लाइटिंग है यार, मतलब देखो चसबूत लाइटिंग चेंज भी होती है, हरी लाल। ये ट्रेन चली बॉलीवुड की दुनिया, हावड़ा से मुंबई। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो भाई स्टेशन पे हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है बस कुछ ही पलों में, मतलब 5-1 मिनट में, हॉर्न बज गया भाई आएगी शायद। तो भैया मिलते हैं फिर आपसे, मजा आया? बिल्कुल खूब ज्यादा मजा आया यार, मजा नहीं आया खूब ज्यादा मजा। तो फिर अब आपको आना है हरियाणा? बिल्कुल, कब आओगे? मैं आऊंगा फेब में। अच्छा, तो वहाँ घूमेंगे फिर, वहाँ मजे करेंगे। तो भाई तो क्या कहना चाहोगे, मतलब जितने भी हमारा टाइम 2-3 दिन साथ में रहे मजा आ गया। नो, मैं तो कह रहा था अगली बार आएगा ना तो 1 हफ्ते के लिए आना कम से कम, 2-3 दिन में रुके जैसा नहीं लगता यार। तो यार भिलाई मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ रह रहे हो आपको कैसा लगता है? साफ़ सुथरी जगह, नीट एंड क्लीन है, ऑल ओवर इंडिया सिक्स्थ प्लेस में है भाई, मतलब बहुत साफ़ है यार और हरियाली तो यार है ही, तो मेरी तो मानते नहीं, आप ही बोल दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, छोटे भाई का चैनल। बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल शेयर करें। तो ठीक है भैया मिलते हैं भाई, ट्रेन आने वाली है बस, ठीक है भैया बाय। हाँ हाँ बाय। भाई हम आ गए हैं जयराम नगर और भाई टाइम हो रखा है 12:30 का, और 12:30 तो पहुंचाने का टाइम था इसका खरसिया, लेकिन अभी भी 2-2.5 घंटे और लगाएगा ये, क्योंकि मतलब हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में स्टॉपेज ले रहा है। तो देखते हैं भाई, भूख भी कुछ नहीं खाया मैंने और ना भूख लग रही मेरे को, बस वही बहुत बेकार ट्रेन है यार, इससे अच्छा तो बस में ही चले जाता मैं। ये फंस गया सी है, बहुत बेकार ट्रेन है यार, मतलब मैं ड्राइवर से पूछ के आता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। हमने बात की भाई पायलट से, लोको पायलट से, लेकिन एक बार देखो कैसे खड़े हैं सब यात्री,
वेट में, ट्रेन रुकती नहीं और यात्री पहले उतर जाते, क्यों? सब बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। और भाई हमने लोग को पायलट से बात की, वो कह रहा है कि सिग्नल ही नहीं आते, इससे अच्छा तो बंद कर दो यार। क्या मतलब है बंद करो? हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो वही रात के 3 बज रहे हैं और हम आए खरसिया उतर गए हैं और लेने आया भाई। हाँ जी सर, कैसा रहा फिर अपना बताओ, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई मेरा तो भाई बहुत गंदा रहा यार। अगर लाइन क्लियर नहीं है तो भाई बंद कर दो ट्रेन को, कोई फ़ायदा नहीं है भाई चलाने का, बेवजह पैसे ले रहे हो, मालगाड़ी पे मालगाड़ी भेजे जा रहे हो जिसकी कोई आगे वैल्यू भी नहीं है रात को तो, और जो आदमी है टाइम है उनकी वैल्यू कम कर रहे हो। इंडिया में लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं पता, तो इससे अच्छा भाई बंद कर दो। तो भाई मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान।